प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात देश को संदेश देकर वैक्सीनेशन प्रक्रिया पर जानकारी दी और अनेक नई घोषणाएं की। इस पर महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना, तो वही दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानमंडल के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार पर तंज भी कसा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कल सुशासन दिन पर बहुत ही अच्छा निर्णय किया और विशेष रूप से 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए एक प्रिकॉशनरी डोज और 15 से 18 ये जो आयु सीमा है इनके लिए भी अब वैक्सीनेशन ओपन हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओमिक्रॉन का जो एक डर लोगों के मन में है उससे छुटकारा मिलने में भी इसकी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। राज्यपालां से अधिकार किंवा अध्यक्षांची निवडणूक या संदर्भात जो काही निर्णय आहे तो निश्चितपणे राज्यपाल घेतील, पण आम्ही या संदर्भात निश्चितपणे ऑब्जेक्शन घेतलं होतं, कारण आत्ता जे काही बदल केलेले आहेत हे बदल भारतीय संविधानाच्या जे काही आर्टिकल्स आहेत त्याच्याशी सुसंगत वाटत नाही आणि अशा प्रकारे सगळे अधिकार काढून घ्यायचे किंवा एक्झिक्युटिव्हला लेजिस्लेचरच्या कारभारामध्ये अधिक महत्त्व द्यायचं हे काही योग्य नाही आहे आणि म्हणून आम्ही याचा विरोध केला आहे। आता बघूया, आता 2 दिवसाचंच तसं अधिवेशन आहे, अजून गुंडाळून काय गुंडाळणार। पहिल्या दिवशीच त्यांनी अधिवेशन गुंडाळलेलं आहे, 5 दिवसाचं अधिवेशन ठेवणं म्हणजे अधिवेशन गुंडाळणंच आहे। त्यातले 3 दिवस झाले, आता 2 दिवस बाकी आहे।